भारत के दूसरे सबसे बड़े सहकारी दूध ब्रांड नंदिनी ने नागपुर में रविवार को बेहद शानदार ढंग से प्रवेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसके विभिन्न उत्पादकों नंदिनी पाश्चराइज स्पेशल टोन मिल्क, मानीकृत दूध, क्रीम दूध, फल और दही को लॉन्च किया। भारत के दूसरे सबसे बड़े सहकारी दूध ब्रांड नंदिनी ने नागपुर में रविवार को बेहद शानदार ढंग से प्रवेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इसके विभिन्न उत्पादनों नंदिनी पाश्चराइज स्पेशल टोन मिल्क, मानकीकृत दूध, फुल क्रीम दूध और दही को लॉन्च किया है। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, कर्नाटक दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष KMF बालचंद्र एल, जरकी होली विजयापुरा दुग्ध संघ KMF निदेशक मंडल के अध्यक्ष संभाजी एस मिसाले, KMF के KCS प्रबंध निदेशक BC सतीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस समय उपस्थित थे। ज्ञात हो कि KMF वर्तमान में कर्नाटक, गोवा और मुंबई, पुणे, सोलापुर, चेन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा सहित देश के विभिन्न शहरों में पहले से ही तरल दूध का कारोबार कर रहा है। अब अपना विस्तार करते हुए इसने पूरे वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल सहित महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कदम रखा है। KMF संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व देशों को ऑस्ट्रेलिया में भी दूध उत्पादों का निर्यात करता है। लॉन्च किए गए नंदिनी स्पेशल टोन मिल्क न्यूनतम 3.5% मिल्क फैट और न्यूनतम 8.5% दूध SNF सामग्री के साथ सर्वाधिक बिकने वाला और सबसे पसंदीदा दूध है। मंच पर उपस्थित नागपुर नगरी के महापौर KMF को जिन्होंने एक नई दिशा दी, ऐसे KMF के चेयरमैन श्री भारत चंद्र जरकी होली जी, श्री बी सतीश जी, श्री संभाजी बिसारे जी, यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक संजय धोटे जी, हमारे BJP के ग्रामीण के अध्यक्ष और सभी हमारे पदाधिकारी और यहां पर आए हुए सभी बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले KMF का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज नागपुर में उनका जो देश में बहुत ही प्रसिद्ध इस प्रकार का ब्रांड है नंदिनी, उस नंदिनी के प्रोडक्ट्स का लॉन्च विदर्भ के लिए उन्होंने किया है और इस लॉन्च के लिए उन्होंने मुझे और जयशंकर जी को बुलाया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे तो ये प्रवास की शुरुआत हमारे पूर्व विधायक संजय धोटे जी के कारण ही हुई, क्योंकि गढ़चांदूर की डेयरी के साथ KMF का टाइप हो इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया और उसी सिलसिले में भालचंद्र जी से बातचीत हुई, उन्होंने उसको आगे ले जाते हुए यहां पर आज नंदिनी ब्रांड का लॉन्च किया है। और जिस प्रकार से KMF ने अपने ब्रांड को बहुत ताकत के साथ पूरे देश में एस्टैब्लिश किया, चाहे वो अमूल हो या फिर नंदिनी हो,